हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जनरल अवेयरनेस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी में। इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको एसएससी के जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उनमें देखने को मिलेंगे, और ये इसका आज ये पार्ट वन है। ऐसे ही और भी वीडियो आपके लिए आगे लेकर आते रहेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय जेम्स ए गोसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं ASP.NET, जावा, PHP और सी। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है जावा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिडोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, बहुरूप दर्शक का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जॉहन बार्बर, टिम बर्नरली, एलान बल्मलिन एंड डेविड ब्रूस्टर। तो इसका जो आंसर है वो है डेविड ब्रूस्टर, ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाइट्रोजीनियस वेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज, मानव जीवों की नाइट्रोजन खराब अपशिष्ट है। ऑप्शन है अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और फोर्थ है यूरिक एसिड। तो इसका जो आंसर है, ह्यूमन बींग की जो वेस्ट होती है नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वह है यूरिया, ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्टोरिया और सकिंग रूट्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हॉस्टोरिया या चूसने वाली जड़ें निम्न में से किस में मिलती हैं? तो ऑप्शन है वीट, मैंगो, चेस्टनट और कस्क्यूटा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है कस्क्यूटा, जिसको कि हम अंबर बेल भी बोलते हैं, कस्क्यूटा को, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विस एसिनस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, इक्विस एसिनस का वैज्ञानिक नाम है डोंकी, कौ, डीर या कंगारू। तो इसका जो आंसर है वो है डोंकी, इक्विस एसिनस साइंटिफिक नेम किसका है? डोंकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एनेस्थेटिक एजेंट, डैश एक संवेदनहारी एजेंट है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास एस्टाइलीन, काइकोल, डाई इथाइल इथर और इथाइलीन। तो इसका जो आंसर है, एस्थेनिक एजेंट, संवेदनहारी एजेंट कौन सा है? डाई इथाइल इथर, ऑप्शन नंबर थ्री, डाई इथाइल इथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड फॉर मेकिंग केमिकल एपरेटस लाइक बीकर, फ्लास्क इटीसी। डैश का उपयोग रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फ्लास्क इत्यादि के लिए किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास पोटाश ग्लास, हार्ड ग्लास, सोडा ग्लास और जीना ग्लास। तो बीकर और फ्लास्क बनाने के लिए जिस ग्लास का उपयोग किया जाता है वो होती है हार्ड ग्लास, सेकंड ऑप्शन, हार्ड ग्लास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन वाज बिल्ट इन, तो राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो किया गया था, बनाया गया था, वो किया गया था 1910, 1910 में, 1910 में किया गया था, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथारा इज अ रिलीजियस रिचुअल ऑफ डैश कम्युनिटी, संथारा इज अ रिलीजियस रिचुअल ऑफ डैश कम्युनिटी, संथा डैश समुदाय का एक धार्मिक अनुष्ठान है, ऑप्शन है सिख, ज्यूस, जैन एंड बुद्धिस्ट। तो ये जो संथारा होता है ये होता है जैन का, ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइनोस्फियर ओवरलैप्स विच टू लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर, तो आइनोस्फियर वातावरण के दो परतों को ओवरलैप करता है, वो कौन सी है, ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर एंड मीजोस्फियर, मीजोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर एंड होमोस्फियर, एक्सोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। तो ऑप्शन है एक्सोस्फियर एंड थर्मोस्फियर, इन दोनों लेयर्स को जो है हमारा जो है आइनोस्फियर ओवरलैप करता है, एग्जोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कॉज, ऑप्शन है हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर एंड अस्थमा। तो कार्सिनोजेनिक केमिकल जो कॉज करता है वो है कैंसर, थर्ड कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट लोकपाल और इक्विवेलेंट टू लोकपाल इज, ऑप्शन है ब्राजील, बर्मा, स्वीडन एंड इंडिया। तो फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट लोकपाल और इक्विवेलेंट टू लोकपाल कौन सी थी, स्वीडन, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, विच आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन है, तो ऑप्शंस हैं वेस्टर्न घाट, सतपुरा रेंज, अरावलीज, ईस्टर्न घाट्स। तो सबसे पुराना जो है वो है अरावली पर्वत, पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ऑप्शन है हमारे पास ब्राज़ील, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। तो सबसे बड़ा जो चावल का उत्पादक है वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया, तो फर्स्ट ऑप्शन है गुरु रामदास, शाहजहां, राव जोधाजी, महात्मा गांधी। तो जामा मस्जिद का जो निर्माण किया था वो किया था शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट इन द ईयर, तो हल्दी घाटी बैटल जो है वो 1576 1576 में लड़ा गया था, 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट भारत रत्न, भारत रत्न पाने की पहली भारतीय महिला कौन है, तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, मदर टेरेसा एंड लीला सेठ। तो भारत रत्न जो सबसे पहली महिला को मिला था वो थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
When ice floats on water, its डैश पार्ट रिमेन्स आउटसाइड द वाटर, जो बर्फ पानी में तैरता है इसका खालिस्तान हिस्सा पानी के बाहर रहता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ 0.5, 0.3, 0.1 एंड 1, तो ऑप्शन रहेगा इसका 0.1, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर्स इज कॉल्ड, कम तापमान को मापने के लिए किस के लिए उपकरण कहा जाता है, वो है ऑप्शंस है हमारे पास डायगोमीटर, क्रायोमीटर, क्रोमैटोपेटोमीटर एंड साइमोमीटर। तो तापमान को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम उपकरण का उपयोग करते हैं वो है क्रायोमीटर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लोकसभा द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम अ स्टेट इज, तो लोकसभा में जो टोटल मेंबर्स होते हैं स्टेट के वो कितने होते हैं, 530, 530, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी इन 1975 हु वाज सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 1975 में आपातकाल के समय कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर रहा था, तो ऑप्शन है मुरारी जी देसाई, फराखुद्दीन अली अहमद, वीपी सिंह, इंदिरा गांधी। तो 1975 में जो राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर रहा था वो था फराखुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केविन डुरंट प्लेज विच इंटरनेशनल स्पोर्ट, तो ऑप्शन है गोल्फ, बास्केटबॉल, बेसबॉल, बॉक्सिंग। तो बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ऑप्शंस हैं एरिस्टोल, विंस्टन, जार्नेस एंड महात्मा गांधी। तो इसका जो ऑप्शन है वो है महात्मा गांधी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसके जो लेखक हैं वो हैं महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, ये जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 था, ऐसे ही आपके लिए और भी पार्ट आगे लेके आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।